स्पॉन्जी स्पॉन्जी सॉफ्टी सॉफ्टी सब्जियों से लबालब भरा हुआ ये पराठा अगर आप अपने घरों में खाने शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोले सोले तो यूं ही पराठे खा के घर में ही निकल जाएंगे। ऐसे पराठे बनाने के लिए मेरे रेसिपी को फॉलो करें क्योंकि मैं हूं शेफ राहुल और कुक विद राहुल में आपका स्वागत। तो हमने लिया एक कटोरी भिगोए हुए चावल। इस चावल को हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखे थे जिसे देख रहे बहुत ज्यादा दर्दे एकदम सॉफ्ट हो गए, अच्छे तरीके से फूल गए। इस चावल को क्या करना, हमें एक फाइन पेस्ट बनाना। उससे पहले आपको इतनी सारी सब्जियों का भंडार रखना होगा और काट कर तैयार रखना होगा। ये हमने प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च और थोड़े से मूली के पत्ते और साथ ही हमने धनिया पत्ता, ये सबको काट के रखा है क्योंकि डोले सोले बनाने हैं तो ये सब जरूरी है। इन सबको काट के इन सबको इस मिक्सर में मिलाना है जब ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। पेस्ट बनाने के लिए मिक्सी का जार ले ले, उसके अंदर सारे चावल को मिक्सी के जार के अंदर ट्रांसफर कर ले। थोड़ा सा बैटर जो है ना बिल्कुल ढीला रखे, ज्यादा टाइट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जिससे जैसे आप एक छल्ले बनाते हैं उस तरीके से आप बिल्कुल आपका बैटर जो है कटोरी के अंदर बिल्कुल एक तार में इस लाइन से गिरनी चाहिए। देख रहे हैं कितनी ढीली बैटर है। इसके अंदर आपको सारी सब्जियां मिक्स कर देने जो हमने काट रखा था प्लेट के अंदर, सारे हमने मिक्स कर दिए हैं। ग्रीन चिल्ली हो, अदरक हो, टोमेटोज हो, शिमला मिर्च हो, सारे के सारे मिक्स करना है। इसके अलावा भी अगर आपको मटर डालने हैं, पत्ते गोभी डालने हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। जो सब्जियां डालने हैं आप इसके अंदर भरकर ठूस कर डाल दीजिए अच्छे तरीके से। इन सारे सब्जियों के डालने के बाद हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इन सारे सब्जियों को मिलाना है। मूली के पत्ते हमने इसलिए डाले क्योंकि आँखों के लिए और खून के लिए यानी कि ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए मूली के पत्ते बिल्कुल ना भूले। अगर मूली का मौसम चल रहा था जरूर डालें। इन सबको डालने के बाद आप इसको मिक्स कर दे बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से इसको मिला देना है पूरे बैटर के अंदर। बैटर बिल्कुल ढीला होना चाहिए, ज़्यादा अगर कड़क होगा ना तो फिर उस तरीके से सॉफ्ट पराठे नहीं बन पाएंगे जो कि आप बनाना चाहते हैं। इसके अंदर हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी और मसाले कुछ नहीं डाल दें। इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालना है, ये आधी चम्मच के लगभग हमें इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना और इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेना। मिलाने के बाद 5 मिनट का रेस्ट दे दें और 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद तब तक आप गर्मा गर्म पैन को गर्म कर ले बढ़िया तरीके से। पैन के अंदर डालें मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज ना करें क्योंकि आपको डोले सोले बनाने हैं, तो मस्टर्ड ऑयल डाल दे बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आप घी का भी यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है तो अब हम चलते पराठे बनाते हैं। पराठे बनाने के लिए आपको एक कलछुल इसके अंदर डालना होगा और धीरे धीरे जैसे हम डोसा बनाते हैं ना, डोसा ऐसे हमको फैलाना है और 1 इंच की मोटाई पर हमें छोड़ देना है, बिल्कुल इसी तरीके से कर देना है। और इसे हमें बनाना है कवर करके। अब कवर करके इसको अच्छे से बना ले और अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। एक साइड से पक जाए तो दूसरे साइड भी इसको चम्मच और कलछे की हेल्प से इसको दूसरे साइड भी पलट ले बढ़िया तरीके से, ताकि दूसरे साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से ना हल्की सी गोल्डनपन रंग आ जाए, कलर आ जाए, ताकि आपका जो पराठा ना बिल्कुल देखने में भी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा क्रंची और सॉफ्ट लगे। इस पराठे की खासियत है कि चावल की बनी हुई है तो ऊपरी लेयर जो है बिल्कुल गर्मा गर्म क्रिस्पी रहेगी और अंदर में बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी स्पॉन्जी सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी। इस पराठे को आप गर्मा गर्मी खाए काफ़ी मज़ा आएगा, ठंडा होने के बाद थोड़ी सी चुंगी हो जाएगी, इसलिए आप इसको गर्मा गर्मी खाना शुरू कर दे और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को फॉरगेट बिल्कुल ना करें क्योंकि डोले सोले बनाने हैं आपको, तो इसलिए ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट रेसिपी है। इन सारे पराठे को हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेना, 1x1 सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लें। और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में आपको खाने की चीज़ के, अब हेल्दी पराठे हैं तो साथ में हेल्दी कुछ तो होने चाहिए, तो आप यहाँ पे हेल्दी के लिए आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं मूली की चटनी, ठीक है। जैसे कि आम के कुचले होते हैं, हरी मिर्च और लहसुन के कुचले चटनी होते हैं, वैसी मूली के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। मूली ले ले, छिल ले, उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दे, 1-2 लहसुन डाल दे, फिर उसको अच्छे तरीके से कूट दे और नमक मिला दे।
आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये रेसिपी खाने के लिए आपको फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे बनाने के लिए अपने किचन में तैयारी करना शुरू कर दे। तो ऐसी हेल्दी रेसिपी लेकर आएंगे नई वीडियो के साथ में भी। तो इस वीडियो को लाइक करें, बहुत सारा प्यार दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।